अभी मैं लेग रेस मार रहा हूँ और एक बार वेट चेक कर रहा हूँ। और मेरा बॉयफ्रेंड फोन कर रहा है, क्यों ना यार? ओह शिट यार, दूसरा पति नहीं सामने। क्या कुछ फर्क पड़ रहा है चाको? अभी ये दुनिया ऐसी दिखती है क्या? सही है, अपनी जिंदगी में जो परेशानी है उसको निकाल दूँ। चल भाई। आ मेरा तो मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ, क्योंकि अभी अभी बस मैंने मुंह में पानी डाला है। मैं अभी फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा था जिम जाऊँगा, मतलब रेगुलर ही जिम जाता हूँ। तो भाई मौसम बारिश हो रही है, अगर आपको ना दिखे तो पूरे जगह पर बारिश ही बारिश है। तो सबसे पहले मैं आप भाई को कॉल करता हूँ और मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर निकलूँगा जिम के लिए और दिखाऊँगा आज कौन सी एक आज लैग मारना है। अच्छा आज बारिश हो रही है, नहीं जाता हूँ, जाना तो पड़ेगा। तो अब है निकल चुका, अब मैं भी फटाक से चलता हूँ, ठीक है? 10 बज चुके भाई, सुबह का 10, अगर इससे ज़्यादा लेट किया तो बेकार हो जाएगा, तो चलो फटाक से एकदम। ये देखो भाई, इन भाई साहब को अब आने का टाइम मिल रहा है। ये हमें टोकता रहता है हर बार कि हम लोग ज़्यादातर लेट रहते हैं, पर ये अब आ रहा है। हाँ भाई, आज टाइम पर क्यों नहीं आया? अरे मैं निठारी से आ गया यहाँ पे। हाँ सही है ना भाई, जल्दी चल रहे हैं, लेट हो जाएंगे। हाँ सही, क्यों आए थे ना? सही कह रहा है। अभी मैं लेग रेस मार रहा हूँ और एक बार वेट चेक कर रहा हूँ। फोन पकड़, फट गए। हो गया भाई, खत्म से दुकान तक पहुँच भी गए इतनी जल्दी। कितना स्पीड चला दे रहा भाई? अनार डाल रहे हो ना अंकल? अरे भैया ये बताओ, उसको पीने से गोरे हो जाएंगे? मेरे पापा पहले बचपन में रोज मुझे पिलाते थे, ये देखो पिलाने का नतीजा काला हो गया। हाँ ये तो सारे विटामिन सी होता है इसमें, पता है विटामिन सी से क्या होता है? थोड़ा सा यार गाली नहीं देते भाई, ये बच्चों का ब्लॉग है, ठीक है? छोटे बच्चे हमारा ब्लॉग देखते हैं तो गाली नहीं देते, दानव जैसे इंसान। सॉरी भाई, सॉरी। हाँ गाइस, इनने सॉरी बोल दिया, लाइक कर दो विटामिन सी के लिए, लाइक कर दो गाइस। भैया ने जूस में पानी कम डाला क्योंकि बारिश का पानी ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो अपना जूस खत्म करके घर चल रहे, पर घर में दिखा दो मैं क्या खाता हूँ। चने खाता हूँ घोड़े की ताकत के लिए। इसे कहते हैं बेकार बंदे, एक तो मेरे पैसों की जूस पिया है, पर से कल वाला ब्लॉग भी इसने एडिट नहीं करा है। गाइस आप लोग कैसे देखोगे? थोड़ा बहुत रह गया, शाम को पोस्ट हो जाएगा। और देखो नोएडा तक छुटवाने के लिए, बस भैया नोएडा तक छुटवाने के लिए भी आया है। यहाँ जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो दोस्त तो चौक हो जाता है, वरना इतना अच्छा दोस्त। तू भी जूस पिला दियो अगली बार, बॉर्डर तक छोड़ने आया, नोएडा छोड़ने आता ना तो पिला था। ठीक है भाई। एक तो थर्मल का ऊपर से मेरा फोर्थ फ्लोर पे है, हालत बहुत खराब होती है, मक्के चलते हैं। Two hours later. तो गाइस मेरा चश्मा लेके आ चुका है मेरा डिलीवरी बॉय। भाई अबे साले, थैंक यू सर। हाँ डिलीवरी बॉय, और हम लोग अभी रील्स बना रहे थे जो आपको अभी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ। ट्राई तो मैंने कर ही रखा है, पहन के तो देख ही रखा है। कैमरा पकड़ो, नहीं पकड़ रहा, जल्दी पकड़ के। कुछ सही है, तुम ना आया वहाँ, अमीर नेपाली लग रही है इसको। नहीं लग रहा देख, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है चाको?
अभी ये दुनिया ऐसी दिखती है क्या? सही है, ऐसा लग रहा है मैंने जीवन में इतना क्लियर कभी देखा ही नहीं। क्या मतलब पता कैसा लग रहा है? मान वीडियो में ना बहुत ज्यादा क्वालिटी बढ़ जाती है ना, कुछ उस तरीके का लग रहा है मेरे को। ओ भाई साहब, सच में ये दुनिया, मेरे घर का कलर इतना अच्छा है, ये गेट इतना बुरा लगता है। दूसरा वाला ट्राई करते हैं, हल्का हल्का मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, इसको कहाँ गया दूसरा? अभी स्टार्टिंग है ना। इस चश्मे में ना ऐसा दिख रहा है कि हल्का हल्का सब कुछ डार्क है, उसमें जैसे रोशनी थी ना इसमें कुछ थोड़ा डार्क है। ये दुनिया ऐसी दिख रही है, मेरा बाहर देखता हूँ। चल 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 चल, यहाँ यहाँ हाँ। मुझे वो लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्लियर? हाँ भाई मेरे को दिख रहे हैं। उसका पीला टोपा, उन लोगों ने लाल पहना, तेरे को सच में दिखने लगा? भाई देखो मैं कसम से कह रहा हूँ, इसको ना इतना नहीं दिखता था, इतने दूर गए हमसे पूछता था कि लिख वो क्या है ये। अब मेरे को तो ऐसा मान जैसे इधर आए, जैसे ये टंकी दिख रही है, इस टंकी में वो जो ब्लैक और पीला दिख रहा है, उसमें 500 लीटर लिखा हुआ, वो दिख रहा है, वो भी दिख रहा है भाई, मेरे को दिख रहा है, पहले इतना नहीं दिखता था। सही है भाई, मतलब कसम से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैंने इस नजरिए से इस दुनिया को देखा ही नहीं होगा, इतना ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे को। ये मैं तब पहनूंगा जब मैं बाहर घूमने जाऊंगा धूप में। हाँ खुद ही एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो। हाँ हम स्मार्ट है इसलिए, कोई करे ना करे लेकिन भाई तू मेरे घर में तेरी शक्ल ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है इसमें तो बहुत वो लग रही है, तू प्यारी सी। दांत भी अच्छे लग रहे हैं। ये पता नहीं इससे पता चल रहा है तुम्हारा दूर का चश्मा है। हाँ दूर का है। तुमको दूर का नहीं दिखता? नहीं। तो इसमें मतलब मेरे को चश्मे का समझ ही नहीं आता, लेकिन इस वाले में ना हल्का सा मेरे उसमें दर्द हो रहा है, इधर है ना आई में। हाँ तुमको आदत नहीं है ना इसलिए। हाँ बस इसलिए दर्द हो रहा है। तेरे शक्ल के दाग धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं वो। तो मेरे को तो ऐसे दिख रहा है तुम्हारी शक्ल में। नहीं मेरी शक्ल में तो अब मेरे को पता चलेगा ना कितने दाग धब्बे, इसलिए अब मैं काम कर पाऊंगा अपनी शक्ल पे। इतने दिनों से मेरे को पता ही नहीं चल मेरी शक्ल कितनी गंदी है, जब इतना गर्व था मेरे को अपनी गंदी शक्ल पे। A few moments later. तो अभी अभी इन लोगों को मैंने बिरयानी खिलाई है अपने पैसों की, और अब ये लोग बिना काम के घर जाना चाहते हैं। तुम्हारे पैसे की खाई है? और क्या, मेरे पैसे की थी ठीक है ना, मैंने पे करा था। अरे इस वाली वीडियो में लड़ना नहीं है, वो दूसरी वीडियो में लड़ेंगे ठीक है। इसमें हमें ये पोस्टर लगाना है। घर जा रही हूँ भाई मैंने। घर मत जा। मैं यार नहीं 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 नहीं, तू घर जाके करेगी क्या? उधर से मैं ही आऊँ, काम भी मैं करके जाओ तुम्हारे यहाँ। अरे तू यहाँ मतलब तू घर जाके करेगी क्या? वो कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो पोस्टर लगा है ना, जो पोस्टर लगा है, जो पोस्टर लाए थे हम लोग उस दिन, उसको लगाते हैं दीवार पे, मस्त लगेगा। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों लगा लेना। जा 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 जा, लड़की को लात नहीं मारते तो कहाँ लड़की? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लड़के को थप्पड़ मारते हैं, ऐसा ही होता है लड़कों के साथ। हम लड़के के साथ नहीं हो, तुमने लाते मारा। मैं कौन कौन से पोस्टर लाया वो दिखाता हूँ सबसे पहले। तो मैं कुछ जो पोस्टर लेके आया था वो इस तरीके के एनिमे के हैं ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि इस जगह पे लगाते, ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे मैंने मतलब मेन था, मैंने यही पे ही सोचा था कि यहाँ पे लगाऊं। समझ गया, मैं लोगों के साथ नहीं हूँ इन कामों में, मैं पहले बोल रही हूँ। भाई तुमने तीसरी चीज सोच ली अब तक में? हाँ भाई इतना तगड़ा दिमाग जो है मेरा। क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कह रहा हूँ अगर इस तरीके से ये देख ऐसे ऐसे करके पूरे में एक दिन का टाइम ले लो, अपनी जिंदगी में जो परेशानी ना उसको तुम सॉल्व कर लो, फिर काम करो। अपनी जिंदगी में जो परेशानी उसको निकाल दूं? चल भाई। मेरा चोट, परेशानी निकल गई, फिर आ गए, फिर आ गए। यही होता है जब तीन चार बंदे अपना दिमाग लगाते हैं ना, कोई एक बंदा आराम से बैठ के अपने इमेजिनेशन से सोचे ना तो वो बहुत अच्छा सोच सकता है। जहाँ तीन चार सड़ेले दिमाग आ गए ना तो एक अच्छा, अच्छा। दिमाग भी खराब हो जाता है। तो हम सोच तो रहे कि हम घर जाएं, तो हमें जाने दे। अभी ना चौको बहुत परेशान है। तो सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं बाकी की बातें बाद में बता दूंगी किस चीज से परेशान है, तो वो ब्लॉग भी आएगा। बाय।
चलो चलो चलो, मैं डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बस यार तुम बहुत परेशान हो जाओगे, हमको भी पागल कर रहे हो। खामाखाम भेड़ भेड़ जाओगे, मार मार दूंगी। सुबह से बाहर नहीं जा पाए तो गाइस सही में इस ब्लॉग को ही खत्म कर देते हैं, वरना आज कोई ना कोई पिटेगा और किसी के लिए लाश तो जाएगी नाले से। तो गाइस रखते हैं यार, परेशान हो रहे हैं। हाँ। तो भाइयों और उसकी बहनों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई ब्लॉग। कल हम लोग बाहर जाएंगे, आज बाहर नहीं जा पाए ना, तो कल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Oh, I'm gonna get it, I'm gonna